और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम इन द टुडेज न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। आज है 31st of December 2020। आज 2020 का लास्ट डे है, तो देखते हैं न्यू ईयर हमारा कैसे बनता है। वैसे अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, जैसे भी प्लान होगा वैसे ही दिखाएंगे, वरना ये व्लॉग बिल्कुल सिंपल एंड सोबर होने वाला है। ज्यादा कुछ करने को नहीं होगा, अगर कुछ करने को होगा तो जरूर दिखाएंगे, वरना तो घर पे ही बना दे। लास्ट ईयर तो मैं फिर भी कहीं चले गए थे, तो आज देखते हैं क्या प्लान रहेगा आगे का, जैसे भी होगा वो बताता हूँ। पहले मैं अभी जस्ट उठ के मैं अपनी ग्रीन टी पीता हूँ, मैं अपनी ग्रीन टी ले आया हूँ, उसके बाद एप्पल खा रहा हूँ और ग्रीन टी। और अभी मैं कर रहा हूँ किचन में मम्मी की हेल्प, शायद ठंड लगी है, कल ठंड ज्यादा थी। एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करूंगा, तो जो काम था वो तो हो गया है कैंसिल। तो एक मेरा जो लैपटॉप था वो लैपटॉप मैं भी उठा के लेके आ रहा हूँ, तो लैपटॉप उठाने चलते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो शायद मैं अपने दोस्त को साथ लेके जाऊंगा, आदित्य को। आज है 1 जैन और बेसिकली मेरे को ये व्लॉग कल डालना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो ना मैं इस व्लॉग की एंडिंग कर पाया, ना मैं इनको लगा। उस टाइम पे भी थोड़ा छोटा व्लॉग था, थोड़ा बड़ा व्लॉग है, तो मैं 31st का और आज का दोनों का व्लॉग साथ कर कल डालता हूँ। तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, आपको मौसम दिख ही रहा होगा, ये देखिए कितनी धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे, मौसम बड़ा ठंडा है। और अभी टाइम हुआ है लगभग 9 बजे के आसपास। और एक तो व्लॉग इसलिए लेट आ रहे थे, जो पीछे वाले जो मेरे व्लॉग थे, जो मैंने पीछे वाला व्लॉग अपलोड किया था वो 6 नवंबर का व्लॉग था, और वो मैंने अपलोड किया है अभी, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरा कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 3 तारीख का एक स्टेट का एग्जाम है, तो उसी चीज की प्रिपरेशन चल रही है अभी, तो इसीलिए वो व्लॉग थोड़ा सा लेट आया था। आगे देखते हैं, जैसे भी कंटिन्यूटी बनती रहेगी व्लॉग डालते रहेंगे। अभी कुछ प्लान कर रहे हैं 5 तारीख के आसपास का, 5 का या 6 का कहीं बाहर जाने का, तो देखते हैं कहाँ निकलेंगे। और अभी तक तो सिर्फ यही चल रहा है, भैया 3 तारीख के बाद ही फ्री हो पाऊंगा, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ निकलते हैं। एक ट्रिप तो वैसे रहता है, एक तो करेंगे ही स्टार्टिंग में, जैसे भी प्लान रहेगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। और जिन जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टा अकाउंट का लिंक दे दूंगा। और कुछ बाल ऐसे हो चुके हैं, अभी सो के उठाऊं, जाके मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मेरा नाम akash.narwal इंस्टा पे अकाउंट है, जाके फॉलो कीजिए, उस पे ही आपको सबसे ज्यादा अपडेट मिलेगी, मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उससे पहले मैं वहीं डालता हूँ। और दूसरी चीज जो भी थी, मेरा एक और गेमिंग चैनल है, मैंने आपको बताया मेरी पिछली वीडियो में, तो उस पे मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, उस पे मैं एक्टिव होऊंगा बहुत जल्दी, एक बार ये 3 तारीख का एग्जाम निमट जाए, इसके बाद फिर थोड़ा सा गेमिंग चैनल को भी ग्रोथ करते हैं। और इस चैनल को जिस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो कल का व्लॉग था वो मेरा कुछ थोड़ा सा ही हुआ था, क्योंकि कल मैं कहीं बाहर ही गया था, तो वो छोटा व्लॉग बनता है, इसलिए मैंने वो व्लॉग आज के व्लॉग में एक्सटेंड करके मैं उसको आज वाले व्लॉग और कल वाले व्लॉग को दोनों को साथ डालूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एवरीवन फ्रॉम माय साइड, आपको आपके परिवार को सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। देखते हैं 2020 तो कुछ ज़्यादा खास नहीं गया है COVID-19 की वजह से, और अब देखते हैं कैसा जाएगा 2021। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बेसिकली किसको लोगों को नहीं पता है, मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पढ़ा हुआ हूँ, तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो कॉलिंग की। एक है आदित्य गिरी करके, बिहार का, वो इंसान जिंदगी में किसी की जिंदगी में राहु केतु होते हैं, वो ऐसे ही हमारी पूरी क्लास की जिंदगी में राहु केतु है। तो अभी उससे बात हुई, एक दो मेरे और फ्रेंड है उनसे बात हुई, एक दो करनाल के फ्रेंड है उनसे बात, मेरा बैच था 2009 टू 2016,
तो अभी न्यू ईयर विश करने के लिए तो अभी न्यू ईयर विश करने के लिए उन सबकी वीडियो कॉल आई थी। और वीडियो कॉल मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि कुछ हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ सीक्रेट बातें थी हमारी जो उस टाइम पे हम करते थे। अभी देखते अभी गेट टुगेदर करते हैं अभी सबके साथ और उसके बाद प्लान करेंगे गेट टुगेदर का कि हम जाके मिले उन सबसे और जो दूर दूर के लोग हैं या तो दिल्ली में मीटअप करेंगे या फिर कुंचपुरा में ही अपने स्कूल में मीटअप करेंगे। अभी तो कोरोना वायरस के चलते कोई आ नहीं रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा है। कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ लोग हमारे वैसे भी हैं जो एनडीए में गए हैं, उनको भी देखते हैं कैसे भी रहेगा। वैसे गेट टुगेदर करते हैं और कभी आपको मिलवाऊंगा मैं ऐसे ही व्लॉग में। वैसे मजा आ गया अपनी क्लासमेट से बात करके बहुत दिनों के बाद, लगभग ये लगा लो वीडियो कॉलिंग पे तो हमको 6 महीने या 7 महीने हो गए होंगे ऐसे बात करते हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं पानीपत की ओर, किसी के काम से बता नहीं सकता, किसी के काम से पानीपत जा रहे हैं तो ऑन द वे है। और अभी जस्ट सेक्टर जो काम हो रहा है पानीपत के वो निपटाएंगे। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको आपकी फैमिली को सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का मौसम, धुंध ठंड दोनों चीज़ बहुत ज़बरदस्त पड़े हुई हैं। अब मौसम थोड़ा थोड़ा और ठंडा होता जाएगा और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बाहर का मौसम आप देख ही चुके हो कितनी धुंध पड़ रही है। और अभी जा रहे हैं किसी के काम से, कोई काम करने। चलो मिलता हूँ। भाई जुकाम हो रहा है यार ज़बरदस्त, क्या करें, आवाज़ थोड़ी ऐसी सुनने को मिलेगी, क्या पता प्रॉपर भी ना आ रही हो, तो थोड़ा देख लीजिएगा कैसे भी होगा। और एक तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, मेरे पीछे ये खेत देख रहे होगे। किसी काम से हम पानीपत जा रहे थे, मैंने बताया था एक कॉलेज है गीता कॉलेज में, पानीपत जा रहे थे। तो अभी हमने एक मैप के थ्रू एक अप्रोच रोड लिया है, एक मेन हाईवे था एक दूसरा रोड था। ये वाला रोड हम बहुत पहले लेते थे जब मम्मी पानीपत का एक टोल है, पानीपत का एक टोल है जो टोल हमें नहीं देना होता था ना, ये वाला रोड हम जब लेते थे। गीता कॉलेज हम देखने आए थे, मोस्टली कैंपस देखने आए थे, कैंपस देख लिया है। एक तो कुछ आजकल एडमिशन के टाइम पे एक दो काम होते हैं ना कि मतलब पकड़ पकड़ के बच्चों को लेके आना, वो काम हो जाता है, इसलिए हम जल्दी निकल आए। ये जो सामने रोड जा रही है NH1 है, इधर जाओगे तो पानीपत और इधर जाओगे तो दिल्ली। तो अभी हम कहीं बीच में समालका और पानीपत के बीच में है और यहाँ पे लगा हुआ है जाम कुछ ज़्यादा ही लंबा लगा हुआ है। समालका से पानीपत पड़ता है लगभग होगा 20 किलोमीटर के आसपास होगा, 20 या 20 से ज़्यादा, पता नहीं कम कितना भी, इतना ही लेकिन 15 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन जाम लगा हुआ अभी ये नहीं पता कितना लंबा जाम लगा हुआ, कुछ ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह और कुछ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसान प्रोटेस्ट, इसकी उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है। अभी हम हैं पानीपत में, अभी ये मित्तल मोल, इसमें मैगडी में कुछ खा के चलेंगे। अभी बैठे हैं मैगडी में, बर्गर आता है, बर्गर खा के निकलते हैं यहाँ से, लेट हो जाएगी कुछ। मैं तो वैसे भी एक दो काम और थे, उसके काम निपटाने के बाद मिलता हूँ। टोल फ्री मिला है हमें, सुबह हमको इसी रास्ते से आना था लेकिन हमको सोच थोड़ा टोल बचा लेते, और टोल बचाने के चक्कर में हम गाँव के अंदर से हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है। अभी टोल फ्री था, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके चलते ये टोल फ्री है पूरे ऑल ओवर इंडिया के, मतलब नॉर्थ के तो वहीं, ऑल ओवर इंडिया का मेरे को पता नहीं है। और एक और अभी रास्ते में धुंध और बढ़ती जा रही है, बार बार धुंध आ रही है जा रही है। लेकिन इस वक्त मौसम बिल्कुल धुंध बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, कैमरा क्लियर दिखा रहा है लेकिन धुंध है। ये देखिए आप, धुंध बढ़ती जा रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। व्लॉग को शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।